स्टोर में जैसे भी आप एंटर हो गए तो यहाँ पे आपको सिकलेट फिश का है, आपको एक टैंक आपको देखने को मिलता है। ऑस्टिन सर, इसमें कौन से वेराइटीज के सिकलेट है? इसमें बहुत सारे वैरायटी के चिकलेट्स है, आप देख सकते हो। इसके अंदर सब मालावी चिकलेट्स है, और आप ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक ब्लू नियॉन अकारा है। अच्छा। हाँ, इसका साइज अराउंड 2-2.5 इंचेस है। और इसके बाद इसके अंदर ग्रीन टेरर है, जो यहाँ पे ऑरेंज टेल के साथ मार्किंग उसकी देखो कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे भी है। तो उसका साइज अराउंड 2.5-3 इंचेस है। बाकी सब मिक्स मालावी चिकलेट्स है, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, फाइव कलर्स, स्टोन चिकलेट्स और ब्लू टाइगर चिकलेट भी हैं। अच्छा, तो ब्लू आकार नियॉन है, इसका क्या प्राइसिंग में अभी सेल कर रहे हैं आप? सर, मैं इसको 400 पैर के हिसाब से बेचता हूँ, 200 अ पीस। अच्छा, और ये ग्रीन टेरर? ग्रीन टेरर का कॉस्ट मेरे पास 300 अ पैर है। 300 रुपीस पेयर। हाँ। और यहाँ पे सारे जो मालावी चिकलेट है, मालावी चिकलेट जो मिक्स में वो सब 400 का पेयर है। आप अगर डजन वाइज या कुछ ज़्यादा पीसेज लेने के सोच रहे हो तो आपको रेट में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये येल्लो कलर का ये लैब है क्या? ये बनाना चिकलेट। अच्छा, इसका क्या प्राइसिंग है? सर, वही प्राइसिंग है, वो 200 का पीस है। अच्छा, 200 का पीस है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे चिकलेट फिश की वेराइटीज है और अलग अलग प्राइसिंग में है। अगर आप मालावी सिकलेट ले रहे हो तो डजन में आपको प्राइसिंग बहुत ही सस्ता आएगा, अगर आप जब पेयर वाइज लोगे तो 200 रुपीस पीस आएगा। यहाँ पे जो कौन से एक्वेरियम फिश है? सर, ये प्लांटेशन फैमिली में आते हैं, ये रेड रेम्बो है, इनका साइज अराउंड 2.5 इंचेस है। अच्छा, 2.5 इंचेस का साइज है। आप इनका कलर देख सकते हो कितना ब्राइट है और कितने हेल्दी है। और ये अभी क्या प्राइसिंग में आप सेल कर रहे हो? सर, ये मैं 200 पर पीस में सेल कर रहा हूँ, 400 पैर में। थोड़ा सा देख सकते हो, रेनबो फिश है, रेयर वेराइटीज़ है, आपको 200 पीस में आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास लाइव प्लांटेड टैंक का सेटअप है तो उसमें रखो, एक अच्छा खासा गेटअप आ जाता है। बेसिकली जैसे लाइव प्लांट में अगर आप रखते हो एक्वेरियम फिश को तो उसका जो कलर रहता है बहुत ही एनहांस होता है। तो रेनबो फिश ज़्यादा करके जितने भी सारे जो हॉबीस्ट है वो लाइव प्लांटेड में रखते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास प्लांटेड टैंक करने का बजट नहीं है, फर्टिलाइज़र खरीदने का बजट नहीं है, तो आप नॉर्मली अनुबियस जैसे प्लांट मिलते हैं जिनको सैंड की और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं लगती, आप उनको वुड पे या रॉक पे बांध सकते हो तो भी आपके फिशेज अच्छा सा कलर आपको दिखाएंगे। अभी ये कौन सा है सर प्लांट? ये अनुबियस बार्टेरी है, इनका साइज जंबो है, 8 इंच प्लस साइज है। इसके अंदर छोटा साइज भी आता है जो एक 200-250 के रेंज में रहता है, और ये जो बड़ा साइज है वो एक 600-800 के रेंज में। अच्छा, तो पॉटेड भी अच्छा रहेगा ना? हाँ सर, उसमें भी मच्छी कलर दिखाएगा, इनको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं रहती। यस यस। और सर नेक्स्ट, इस टैंक में, इस टैंक में और एक फिश है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अंदर एल सीरीज प्लेको है, एल सीरीज 134। ये एल सीरीज 134 है, इसका पैटर्न देख सकते हो, जेब्रा पैटर्न है, येलो एंड ब्लैक। इसका साइज अराउंड 2.5 इंचेस है, और इसका कॉस्टिंग आप देखा जाए तो 6500 का पीस है। देखो दोस्तों, मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा करके जो शॉप में देखते हैं तो नॉर्मल सकर रहता है या फिर डिस्टलोज रहता है। एल सीरीज के प्लेको बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, जेब्रा प्लेको तो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है, तो भी अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक्वेरियम्स में। इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है, जिससे स्टार्ट रेंज आप देखा जाएगा तो 2800 से स्टार्ट रेंज है एल सीरीज का। लेकिन जैसे जैसे आप उनका रेयर वैरायटीज़ में जाओगे एल सीरीज, वैसे वैसे आपका कॉस्टिंग बढ़ते रहेगा। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जेब्रा प्लेको, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया एक्वेरियम्स में देखने को मिल रहा है, सुपर क्वालिटी है। अगर आप नियर बाय हो तो एक बार स्टोर में विजिट करो और ये जेब्रा प्लेको आप देखो, आपको पता चलेगा कि क्या ये वेराइटीज है एल सीरीज वाली। सर, ये शॉर्ट बॉडी लायन हेड वरांडाज है, इनका कॉस्टिंग अराउंड 1500 अ पेयर है। अच्छा, और इसके अंदर बहुत सारे वैरायटीज मेरे पास होते हैं, जैसे रुंकिन हो गया, रैंचो हो गए, लायन हेड सिंगापुर हो गए, और जैसे पांडा हो गए, ट्राई कलर्स हो गए, ये सब वैरायटीज मेरे पास होते हैं। मेरा वो शिपमेंट, नेक्स्ट शिपमेंट है, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा उसको कवर करने के लिए। और यहाँ पे सर नीचे,
ये मोटोरो स्टिंगरे है, इसका साइज 5 इंचेस है और ये कंफर्टेबल रहता है, जो भी अपर स्विमर्स रहते हैं उनके साथ कंफर्टेबल रहता है। बराबर। और ये अभी क्या प्राइस में सेल कर रहे हो? ये सर मैं 5500 में सेल कर रहा हूँ। अच्छा, 5500 में। बहुत ही अच्छा रेट है, आपको भी पता है बाहर इसका रेट क्या है। 5 इंचेस का स्टिंगरे है, 4 इंचेस आपको अराउंड 5000 के अंडर मिल जाता है। नेक्स्ट टैंक में सर ये फ्रंटोसा चिकलेट्स है। ये बहुत ही एग्जॉटिक वैरायटी है चिकलेट्स की, आप सबको पता ही होगा ये ब्लू फ्रंटोसा है। इसका कॉस्टिंग 1000 रुपीज पीस है। अच्छा। इसका साइज अराउंड 2.5 to 3 इंचेस है। आप उनके फिन देख सकते हैं कितने प्रॉपर हेल्दी है। अगर फिश हेल्दी नहीं रहेगा तो कभी भी फिन ओपन करके नहीं रहेगा। और कैसे स्विमिंग मूवमेंट से ही पता चलता है कि एक्वेरियम फिश है कितना हेल्दी है। और यहाँ पे कितने 6 क्वांटिटी में है ना? हाँ सर, 6 में। अच्छा सर, ये खूबसूरत सी चिकलेट फिश की वैरायटी कौन सी है? सर ये मकाओ वायजा चिकलेट है। हाँ हाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक चिकलेट है। इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है पब्लिक में। हाँ। और इसका कॉस्टिंग अराउंड 1500 पर पीस है। पर पीस। हाँ, अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो ऑब्वियसली मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। एयर एक्वेरियम फिश है, बहुत ही कम शॉप है वो इन्हें स्टॉक करते हैं। और बाद में यहाँ भी सर रेड कलर में। सर ये शॉर्ट बॉडी ज्वेल है ये। अच्छा। मोस्टली दिखता नहीं है ज़्यादा, तो मैंने कलेक्शन करके रखा है इसका। तो ये अराउंड 500 पेयर में आ जाता है। नॉर्मल ज्वेल और चीप रेट में मिलता है, जो लॉन्ग बॉडी रहता है बराबर वो 150 या 200 पेयर में मिल जाता है। यस, ये तो बहुत ही रेयर वैरायटी है, इसलिए मैंने स्टॉक करके रखी है। हमारे व्यूवर्स में कोई मतलब 20-30% लोग तो भी इसको फर्स्ट टाइम देखते रहेंगे। यस, और ये खूबसूरत है, ज्वेल सिकलेट है। ज्वेल सिकलेट में जो रेड ज्वेल सिकलेट आता है बहुत ही खूबसूरत रहता है। और ये जैसे बड़े हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे तो उसका कलर से वो और हैनस होते जाता है। तो यहाँ पे दो वेराइटीज़ के सिकलेट आप देख सकते हो। ये कौन सा एक्वेरियम फिश है? सर ये रेड फ्लैगटेल है। हाँ हाँ। इसका साइज़ अराउंड 3 इंचेस है और एक इसमें छोटा साइज़ भी है जो ऊपर है इनके। यस, इनके पीछे है। हाँ हाँ, वो साइज़ 2 इंचेज़ का है। हाँ हाँ। तो ये रेड फ्लैगटेल का कॉस्टिंग अराउंड 2000 पर पीस है। यस। और जो छोटा रेड फ्लैगटेल है वो 1000 का पीस है। 1000 का पीस है ना? यस। और इसके अंदर दूसरा वैरायटी भी आता है येलो फ्लैगटेल। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा चीप रहता है जैसा। हाँ, वो 2000 पेयर के हिसाब से मिल जाएगा आपको। लेकिन मोस्टली उसका इतना डिमांड नहीं है इसलिए मैं उसको ज़्यादा लाता नहीं हूँ। रेड फ्लैगटेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, जो मेरे पास 1 फुट के साइज में आने वाला है। मैं प्रथमेश भाई को बोल दूंगा कवर करने के लिए, तो प्लीज़ आप उस दिन आ जाना, मैं आपको वैरायटी दिखा दूंगा। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे कि ये रेड फ्लैगटेल है, अभी कैसे ये जैसे इनका साइज़ है बड़े होते जाएगा तो कलर है एनहांस होता है। एक्चुअली क्या रहता है कि ये जो बड़े जो मॉन्स्टर फिश है ना, ये जब भी छोटे साइज़ में रहते हैं तभी हमको एग्जैक्टली कलर इनका नहीं पता चलता है, पर जब भी इनका साइज़ बढ़ते जाता है तभी एक ट्रू कलर ये अच्छे खासे फॉर्म में आ जाते हैं और जो एग्जैक्ट कलर है वो पता चलता है। ऑस्टिन सर, ये कौन सा फिश है? ये क्लाउन नाइफ है, जो बहुत ही छोटे साइज में है, मतलब इसका अराउंड 4 इंच का साइज होगा। हाँ हाँ। ये 500 पेयर के हिसाब से आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी रहते हैं, नॉर्मल क्लाउन रहते हैं, इसमें अल्बाइनो क्लाउन आता है। यस यस। इसमें अल्बाइनो क्लाउन भी आता है। तो अल्बाइनो नाइफ थोड़ा सा महंगा रहता है इससे। हाँ हाँ। और ये वैरायटी है जो नॉर्मल क्लाउन है, ये 500 पेयर में है, 4 इंच साइज है। यस। इसके अंदर नेक्स्ट वैरायटी है, आप नीचे देख सकते हो, इसको हॉर्स फेस लोच बोलते हैं। ये भी बहुत ही रेयर वैरायटी है, मैंने उसको लाइफ में सेकेंड टाइम देखा हूँ मेरे पूरे बिजनेस करियर में। इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये लोच फैमिली का फिश है और इसका कॉस्टिंग अराउंड 600 पेयर है। अच्छा, 600 रुपीज पेयर। साइज बहुत ही अच्छा है, 2.5 इंचेस का। अच्छा। पैटर्न देख सकते हैं उसके ऊपर, उसका कलर देख सकते हैं, उसका फेस देखो हॉर्स जैसा है, इसलिए उसको ज्यादा करके हॉर्स फेस ही बोलते हैं। आप नेक्स्ट फिश देख सकते हो, ये है रेड माउथ कोई गप्पीज। ये इम्पोर्टेड गप्पीज में आता है। इसके अंदर मेल फीमेल है, जो अभी आपको सामने दिख रहे हो फीमेल है जिसके बॉडी को कलर नहीं है, और जो इसके पीछे है बराबर वो मेल है जिसको बॉडी को ब्लू कलर है। इसका कॉस्टिंग अराउंड 200 पेयर है। Yes. साइज भी 2 इंचेस के करीब है। हाँ हाँ। और जो आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो ये थाई जाइंट
खुली लोच है, इसके में रेड ब्लैक एंड येलो का पैटर्न रहता है। यस, और ये भी लोच फैमिली है, ये 150 पेयर के हिसाब से आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट वैरायटी है इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चिकलेट फैमिली की वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इसकी, और ये बड़े हो के भी इनका कलर बहुत ही खूबसूरत हो रहता है। इनकी साइज़ अराउंड 2.5 इंचेस है और इनकी कॉस्टिंग अराउंड 2000 पेयर में आ जाएगा आपको, 2000 रुपीज़ पेयर। ये इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेंसी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें वेराइटीज़ आते हैं, बट ये जो वेराइटी है बहुत ही खूबसूरत आती है, और आप देख सकते हो इनके ऊपर एक अलग ही पैटर्न है, तो ऑस्टिन एक्वाटिक्स में अवेलेबल है, आप इन्हें बाय कर सकते हो, और आपके सिकलेट टैंक में बहुत ही अच्छे से ये जब भी आप एक्वेरियम फिश रखोगे तो अच्छा खासा गेटअप आएगा। नेक्स्ट टैंक में सर, नेक्स्ट टैंक में गप्पी की वैरायटी है, इसको ब्लैक मॉस्को गप्पी बोलते हैं, इसका कॉस्टिंग भी 200 पेयर है, साइज भी रेड माउथ गप्पी जैसे 2 इंच का ही है। ये सारे मेल्स है ना? हाँ सर, इसमें फीमेल नहीं है, देख सकते हो नेराइट स्नेल्स भी है, नेराइट स्नेल्स की आप पैटर्न देख सकते हो उधर फिल्टर पे पीछे, उसको जेवरा नेराइट बोलते हैं, ये 150 रुपीज़ पेयर के हिसाब से आते हैं। इसके अंदर अच्छे से एक्जॉटिक फिश मैंने कल ही इसको इंट्रोड्यूस किया है मेरे टैंक में, ये रेनबो गोभी फिश है, आप इसके ऊपर कलर्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे कलर्स है। गोभी फिश में बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, लेकिन मैंने इस बार रेड लिपस्टिक और रेनबो गोभी ये दो वैरायटी इंट्रोड्यूस किए हैं अपने एक्वेरियम में। ये प्लांटेशन वैरायटीज़ में आ जाते हैं, जो एल्गे क्लीन करते हैं, बॉटम फीडर्स है, आपके प्लांट्स को क्लीन करेंगे। ये अभी इसकी प्राइस क्या है? सो इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये 500 पेयर के हिसाब से आएंगे, इसका साइज 3 इंचेस का है, इसके कलर और इनके फिन्स देखो कितने हेल्दी है। और ये जैसे और बड़े होते जाएंगे तो इसका जो कलर पैटर्न है और गहरा होते जाएगा। यस सर। और यहाँ पे सर ये अल्बाइनो ब्लैक नियॉन फिश है, ये टेट्रा फैमिली की वैरायटी है, इसका पेयर के हिसाब से आपको 80 रुपीज़ पड़ेगा और डजन के हिसाब से 360 रुपीज़। इसके अंदर ये रेड आइज हाइफिन सकर है, इसका कॉस्टिंग 200 पर पीस है, इसका साइज 2 इंचेस का है, ये भी बहुत ही अच्छा फिश है जो आप प्लांटेड टैंक में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अच्छा, इस टैंक में सर? इस टैंक में नियॉन रेनबो है, इसका साइज 1.5 इंचेस है, इसका कॉस्टिंग 80 रुपीज़ पर पेयर है। हाँ हाँ, आप डजन लेंगे तो ऑब्वियसली हम कम हो जाएगा इसका रेट। ये रेनबो फैमिली की वैरायटी है, नियॉन रेनबो, ब्लू नियॉन रेनबो, और नीचे आप बॉटम में देखेंगे इसको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये रेड लिपस्टिक गोभी फिश है जो गोभी फैमिली का है, और इसका साइज भी अराउंड 3 इंचेस है, इसका कॉस्टिंग भी सेम है उसके जैसा ही 500 अ पेयर, रेनबो को भी जैसा ही इसका कॉस्टिंग है, एक ही फैमिली के फिशेज है। इसके अंदर नेक्स्ट स्नेल्स है जो अलग वैरायटी के, इसको किंग कूपा स्नेल बोलते हैं, इसके स्नेल के ऊपर आप, मैं आपको दिखाता हूँ उसका, ये देखिए इसका पैटर्न समथिंग डिफरेंट रहता है, थोड़े से हॉर्न्स रहते हैं उनके शेल पे, ये नेराइट स्नेल का ही फैमिली है, ये किंग कूपा नेराइट स्नेल है, इसका कॉस्टिंग अराउंड 200 पेयर है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक अलग वेराइटी इसमें स्नेल है, अलग ही पैटर्न है इनके ऊपर। ऑस्टिन एक्वाटिक्स में गोभी का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि हमने अभी कवर किया है, और ये थोड़ी रेयर वेराइटीज है, आपको हर एक एक्वेरियम शॉप में नहीं देखने को मिलता है ऐसे गोभी का एक अलग कलेक्शन, तो स्टोर में अवेलेबल है अभी, तो आप एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। इस टैंक में सर ये फीमेल बेटा है ना? हाँ सर, ये फीमेल बेटा है, आप इसमें कलर्स के वेरिएंट देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कलर्स है इसके अंदर, और ये हाफ मून फीमेल बेटा है। अच्छा। हाँ, इसका कॉस्टिंग आपको 250 पेयर में आ जाएगा, 125 का पीस है, इसका साइज 2.5 इंचेस है, बहुत ही हेल्दी फीमेल है, आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रीडिंग के लिए। एक्चुअली देखा मैंने बहुत सारे जगह पे प्लकट की फीमेल रहती है, और उसका मतलब साइज़ भी बहुत ही कम रहता है,
तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप कि इस टैंक में है हाफून की फीमेल बेटा है और अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। आप देख सकते हो अलग अलग शेड में अवेलेबल है इस टैंक में सर। इसके अंदर रेड सिवराम है और रेड पैरेट है, ये मेरा ओल्ड स्टॉक है इसलिए मैंने मिक्स रखा है। या अभी क्या प्राइसिंग में दे रहे हो सर? रेड सिवराम में 450 पैर के हिसाब से दे रहा हूँ, और ये जो छोटे पैरेट्स है उनको मैं 500 पैर के हिसाब से दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टैंक में अल्बाइनो टाइगर और ब्लैक टाइगर ऑस्कर्स है। इनका साइज 2.5 इंचेस के करीब है, इसका कॉस्टिंग 350 पेयर है। 350 रुपीस पेयर? यस, कोई भी ले लो, टाइगर अल्बाइनो कोई भी ना। यस सर। और इस टैंक में सर ये ए ग्रेड पैरेट्स है, आप इनका कलर देख सकते हैं कितना रेड, प्रॉपर रेड है, और इनका कॉस्टिंग 600 पेयर है। अच्छा, 600 रुपीस पेयर। यस। और इस टैंक में सर? इस टाइम में येलो पैरेट है और इसका कॉस्टिंग 800 का पैर है, साइज भी इसके जैसे ही है 2.5 इंचेस। यहाँ पे टेट्रा फिशेस का भी स्टॉक है, अलग अलग प्राइसिंग में अवेलेबल है, तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑस्टिन सर से आप बात कर सकते हो। आई होप कि आपको ये एक्जोटिक और रेयर एक्वेरियम फिश है ऑस्टिन एक्वाटिक्स के अच्छे लगे रहेंगे। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है एक्वेरियम फिश की तो डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, तो कांटेक्ट कर सकते हो, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, विजिट कर सकते हो। अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिल देखो जैसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।